मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ कि मैं कैसे जान सकती हूँ कि अपने बच्चों को कब दूध पिलाना है। विलादत के बाद ज़िंदगी काफ़ी हैरान कर लग सकती है। आप अपने नौजादा बच्चे को डिलीवरी से सेहतियाबी होते हुए जान रहे होंगे कि आपके जज्बात पूरी जगह पर हो सकते हैं, ख़ास तौर पर 2 से 5 दिनों के दरमियान, जब आप बहुत सी खवातीन को अपने दूध का दौरा हिचहिचाकट का सामना करना पड़ता है और बेबी ब्लोज और जल्दी ही और आम तौर पर एक स्पर्म बने। लेकिन इस हफ्ते आप जो सबसे ज़बरदस्त काम कर सकते हैं वो सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहना और दूध पिलाने का ट्रैक पर रखना है। मुझे अपने नौजादा बच्चे को दूध पिलाना कब शुरू करना चाहिए? पैदाइश के बाद पहले घंटे में अपने बच्चों को दूध पिलाने की कोशिश करना बेहतर है। ताल को चालू करने और चूसने से वो आपके दूध की फरहमी शुरू करने के लिए आपके सीनों की खलियों को ऑन करना शुरू कर देता है। मिसाली तौर आपके बच्चे की पैदाइश के साथ ही आपके सीने पर लगा दिया जाता है, उसे छाती तक रसाई दे जा सकती है, वो खाना खिला सकता है, वो नहीं खा सकता, लेकिन ऐसे करने का मौका दे। एक बैन अक्वामी शोहरत याफ्ता दूध पिलाने की मशीन कहती है, इसके जिस्म को सारा दिन और उसे आपकी छाती तक अपना रास्ता तलाश करने और ख़ुद से मुंसलक होने की कोशिश करने दे। आप इस अमल के वीडियोस देख सकते हैं, जिसे ब्रेस्ट क्रॉल वीडियोस देख सकते हैं ऑनलाइन। ताहम अगर आपका बच्चा मुंसलक नहीं होता तो सेहत देखभाल करने वाले हमेशा वो मुमन माओं के पोजीशन में मदद करने में बहुत माहिर होते हैं। बच्चे के जेर प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर